नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंस्टाग्राम से संबंधित कुछ अपडेट्स। बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही काम के अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं, इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करते हैं या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूं, वो अपडेट्स जानने के बाद आप इंस्टाग्राम पर और भी ज़ोर शोर से अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अपडेट्स ही कुछ ऐसी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग और काम की अपडेट्स हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं हूँ जगमोहन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंडोला। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेक्निकल हिंडोला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट जल्दी से लाल बटन दबाइए, हरा बटन दबाइए, नीला दबाइए, कुछ भी दबाइए और टेक्निकल हिंडोला को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फटाफट से हम जानने की कोशिश करते हैं कि पहला अपडेट क्या है। पहला अपडेट ये है इंस्टाग्राम की तरफ से कि दोस्तों, इंस्टाग्राम जो है वो काम कर रहा है। इंस्टाग्राम इज़ वर्किंग ऑन लॉन्चिंग न्यू वीडियो बेस्ड फीचर्स। कुछ वीडियो बेस्ड फीचर्स जो है लाने की तैयारी में इंस्टाग्राम है और इसके ऊपर इंस्टाग्राम रेगुलर काम कर रहा है। अब वीडियो बेस्ड फीचर्स आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्या पता यूट्यूब की तरह कल को आप इंस्टाग्राम पर भी वीडियोज़ अपलोड कर पाएँ। और जो मतलब फीचर्स आप YouTube में मतलब कि आपको मिलते हैं, वो सेम फीचर्स आपको Instagram पर भी मिल पाएं। ये अपडेट Instagram ने दिया है कि भैया, हम जो है वीडियो बेस्ड फीचर्स पर काम कर रहे हैं, रेगुलरली काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल धैर्य रखिए और बिल्कुल जोश में आ जाइए कि भैया, हमें अब Instagram पर अच्छे से काम करना है, क्योंकि वीडियो बेस्ड फीचर आने वाले हैं। तो हो सकता है इन फ्यूचर, निकट भविष्य में आप इंस्टाग्राम पर यूट्यूब की तरह वीडियोस अपलोड कर पाएं। दूसरी अपडेट दोस्तों ये है कि जी, इंस्टाग्राम जो है वो फोकस करेगा क्रिएटर्स वीडियो शॉपिंग एंड मैसेजिंग पर। यानी कि सोच लीजिए भैया, क्रिएटर के ऊपर फोकस कर रहा है, वीडियो के ऊपर फोकस कर रहा है, मैसेजिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, शॉपिंग के ऊपर भी फोकस कर रहा है। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो इंस्टाग्राम में नियरली इन फ्यूचर होने वाले हैं, जल्द ही होने वाले हैं। ऐसी अपडेट इंस्टाग्राम से निकल कर आई है। और एक अपडेट ये भी है कि इंस्टाग्राम जो है वो सिर्फ एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप नहीं रहने वाला ज़्यादा दिनों तक। अगर फ़ोटो शेयरिंग ऐप नहीं रहने वाला है, तो भैया बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी अलग चीज़ें इंस्टाग्राम पर शायद होने वाली हैं। तो ये सारी न्यूज़ इंस्टाग्राम की ऑथेंटिक हैं कि भाई, उन्होंने कहा कि हम वीडियो पर फोकस करेंगे, क्रिएटर्स पर फोकस करेंगे, शॉपिंग और मैसेजिंग पर फोकस करेंगे। चलिए शॉपिंग और मैसेजिंग को छोड़ देते हैं, लेकिन वीडियो और क्रिएटर, यानी कि भैया जो क्रिएटर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, रील्स वगैरह जो भी बना रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो सोचा जा रहा है, कुछ ना कुछ तो नया किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये अपडेट बड़े काम की है, इसलिए इस अपडेट को सुन के जल्दी से मतलब आप जोश में आइए और इंस्टाग्राम पर अपने टैलेंट को भर भर के दिखाइए। तीसरी अपडेट जो भैया इंस्टाग्राम की आई है, वो अपडेट ये है कि इंस्टाग्राम कहता है कि इंस्टाग्राम जल्द ही फीड्स में कुछ कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा और वो कंटेंट यूज़र डिसाइड होगा। मतलब कि आप अपने आप से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या कंटेंट देखना है, क्या नहीं देखना, और किस चीज़ को आप फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फीड्स में कंटेंट दिखाना शुरू करेगा जल्द ही इंस्टाग्राम। चौथी अपडेट जो है दोस्तों, बड़ी कमाल की है, वो ये है कि जैसे कि आप YouTube देखते होंगे, तो YouTube पे आप स्टोरीज तो देखते रहते होंगे, जो क्रिएटर्स हैं वो स्टोरीज अपने डालते रहते हैं और हम उन्हें देख पाते हैं, यूट्यूबर्स की स्टोरीज़ को। तो दोस्तों, ऐसा ही एक फीचर जो Instagram है वो लेके आने वाला है, उस पर Instagram काम कर रहा है, जिसका नाम उसने रखा है एक्सक्लूसिव स्टोरीज। तो जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी स्टोरीज जो हैं वो उस पर अपलोड कर पाएंगे और जो उनके फैंस हैं, जो उनके मतलब कि फॉलोअर्स हैं, वो उन स्टोरीज को देख पाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट सा फंडा इंस्टाग्राम बता रहा है। इंस्टाग्राम कह रहा है कि भैया, वो जो स्टोरीज होंगी वो पेड सब्सक्रिप्शन के द्वारा देखी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो मतलब किसी क्रिएटर का फ़ैन है, बिल्कुल पक्का घनिष्ठ बिल्कुल फ़ैन है, जो उसके लिए जी सके मर सके, वो उसकी स्टोरीज़ देखना चाहेगा ही चाहेगा और उसको उसके लिए सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको एक्सेस मिल पाएगी स्टोरीज़ देखने के लिए। ऐसी एक अपडेट इंस्टाग्राम से निकल कर सामने आ रही है।
जो लास्ट अपडेट है दोस्तों, उसको सुनने के बाद आप सभी लोग खुशी से झूम उठेंगे अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो। और आपको ये अपडेट सुनने के बाद और जोश और मोटिवेशन सा मिल जाएगा काम करने का। आप पूरे जोर शोर से अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने में जुट जाएंगे, क्योंकि वो अपडेट है ये कि इंस्टाग्राम जो है एक न्यू होस्ट फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, उसको रिलीज करने की तैयारी कर रहा है, और वो फीचर है मोनेटाइजेशन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, मोनेटाइजेशन की तैयारी कर रहा है इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर। तो जो भी क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पर, जो भी मतलब कि इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होने वाला है। दोस्तों, यही सारी अपडेट थी इंस्टाग्राम की जो आज मुझे आपको बतानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।